नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट कैंप के युवा विधायक मुकेश भाकर ने गहलोत सरकार को उन्हीं का किया हुआ एक पुराना वादा याद दिलाया है। मुकेश भाकर ने गहलोत सरकार से मांग की है कि जो गहलोत सरकार ने एक पुराना वादा किया था, कम से कम उस वादे को तो वो पूरा कर दे। क्या है गहलोत सरकार का वो वादा और मुकेश भाकर ने गहलोत सरकार के समक्ष क्या मांग रखी है, उसे समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी रण में पायलट गहलोत के बीच चला 35 दिनों का महासंग्राम आखिरकार थम गया, लेकिन पायलट गहलोत कैंप के नेताओं के बीच शीत युद्ध का दौर अभी भी जारी है। लेकिन इन्हीं सबके बीच पायलट कैंप के युवा विधायक मुकेश भाकर का मुख्यमंत्री गहलोत को लिखा एक पत्र अब सुर्खियों में आ गया है। दरअसल मुकेश भाकर ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर सरकार को पुराना वादा याद दिलाया है। विधायक मुकेश भाकर ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान में विद्युत कंपनियों द्वारा फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्कों की बढ़ोतरी को वापस लेने तथा VCR भरकर किसानों को बेवजह परेशान करने से रोकने की मांग की है। भाकर ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में बिजली कंपनियों द्वारा फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य शुल्कों के नाम पर किसानों व उपभोक्ताओं पर बिजली भार बढ़ाया गया है, जिसके विरोध में जोधपुर संभाग के किसान काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में भी इसका विरोध किया जा रहा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को आगाह किया है कि उन्होंने 5 साल तक बिजली की दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का आम जनता से वादा किया था। इसके बावजूद विद्युत कंपनियों ने मनमाने तरीके से विद्युत शुल्क बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन लाडनू क्षेत्र एवं पूरे नागौर जिले के किसानों को VCR भरकर परेशान कर रहे हैं। इस कारण से किसानों में केवल निराशा ही नहीं बल्कि सरकार को लेकर अब आक्रोश भी व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि इन दिनों जोधपुर के किसानों के प्रदर्शन का मसला प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा भी लगातार गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि गहलोत सरकार अपने ही विधायक की मांग पर कितना अमल करती है या फिर हालात जस के तस ही बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिफैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की पायलट कैंप के युवा विधायक मुकेश भाकर ने गहलोत सरकार को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बिजली के दामों में जो बढ़ोतरी की जा रही है और जिस प्रकार से किसानों से जो वसूली की जा रही है बिजली के दामों को लेकर, वो जाहिर तौर पर चिंताजनक है और इसी के कारण पूरे प्रदेश भर के किसानों में रोष व्याप्त है। लिहाजा मुकेश भाकर का गहलोत सरकार से ये कहना है कि गहलोत सरकार ने जो पुराना ये वादा किया था कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, जाहिर तौर पर उस वादे पर गहलोत सरकार को अब अमल करना चाहिए। लिहाजा अब देखना ये होगा कि विधायक मुकेश भाकर के पत्र पर गहलोत सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या भाकर की बातों को माना जाता है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। नमस्कार।